हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेट 4.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4। नाउ द सेकंड पार्ट इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग 3,1 एंड द 9,3 यूजिंग डिटरमिनेट्स। सेम एज इट इज फर्स्ट पार्ट जैसा ही है, नो चेंजेस। आपको एज इट इज इक्वेशन फाइंड करनी है लाइन जॉइनिंग की। हमने क्या करा, हमारे पास दो पॉइंट गिवन है, सपोज ए और बी, और वो बोल रहा है थर्ड पॉइंट भी इसी से कनेक्ट हो रहा है। तो आप देखो कि अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है तो इससे ट्रेंगल बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। इट मीन्स एरिया ऑफ ट्रेंगल कितना हो जाएगा? जीरो ही होगा। मतलब पी पॉइंट आप क्या सपोज करके चलेंगे, लेट पी पॉइंट इज एक्स कॉमा वाई बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 3,1 एंड द 9,3, देन द एरिया ऑफ ट्रेंगल कुड बी फॉर्म बाय दिस पॉइंट इज जीरो। मतलब जब एरिया ही नहीं बनेगा, मतलब ट्रेंगल ही नहीं बनेगा, तो एरिया कैसे निकाल सकते? इट मीन्स एरिया क्या हो जाएगा? जीरो। मतलब एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या लेके चलेंगे? जीरो। फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्रेंगल का? 1/2 इन डिटर्मिनेट x1/1 x2/2 x3/3 3,1 इज इक्वल टू जीरो। अब मॉड में क्यों लिखते हैं कि अगर कोई वैल्यू नेगेटिव आए तो एरिया क्या होता है? पॉजिटिव। तो आपने मॉड लिखा तो भी करेक्ट, नहीं लिखा तो भी करेक्ट। तो ये लिखा 1/2। नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज x1/y1। हमने क्या सपोज करा, पी पॉइंट इज एक्स वाई, इट मीन्स वैल्यू ऑफ x1/y1 इज एक्स वाई। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज x2/y2। सेकेंड पॉइंट कितना है? 3,1। तो इट मीन्स यहाँ पे रखा हमने 3,1, मतलब 3,1। नाउ द थर्ड पॉइंट इज x3/y3। थर्ड पॉइंट कितना है? 9 और 3। हमने यहाँ वैल्यू पुट अप कर दी 9, 3। 3,1 एज इट इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ 2 डिवाइड में राइट साइड गया तो मल्टीप्लाई में 0 × 2 कितना हो गया? 0। तो ये 1/2 पूरा गायब हो गया। अब इस डिटर्मिनेंट को हम क्या कर देंगे, ओपन करेंगे। तो ओपन एज इट इज या तो रो के लिए करो या कॉलम के लिए। तो हमने रो के लिए ओपन कर रहे, तो इस एक्स के लिए मैंने ओपन करा, तो जिस एलिमेंट के लिए ओपन करते वो रो और कॉलम छोड़ देते। तो एक्स के लिए हमने रो और कॉलम छोड़ा, तो डिटर्मिनेंट कितना मिलेगा 2/2 का? 1, 1, 3, 1। ये लिखा 1, 1, 3, 1। अब मिड एलिमेंट, मिड एलिमेंट क्या है? प्लस वाई। तो मैंने बताया था कि जब भी डिटर्मिनेंट हम ओपन करते हैं 3/3 का, तो मिड वाला जो एलिमेंट है उसका क्या कर हो जाता है? साइन चेंज। यहाँ पे प्लस वाई है तो यहाँ क्या आएगा? माइनस वाई। ठीक है, तो इस एलिमेंट के लिए ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया, क्या बचा? 3, 1, 9, 1। यहाँ लिखा देखो 3, 1, 9, 1। ठीक, अब थर्ड एलिमेंट इज प्लस वन, यहाँ पे लिखा प्लस वन। क्लियर? तो इस एलिमेंट के लिए जब हम ओपन करेंगे तो ये रो और कॉलम क्या करेंगे? छोड़ देंगे। तो क्या बच रहा है? 3, 1, 9, 3। ये लिखा 3, 1, 9, 3 इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि हमारे पास जीरो आना चाहिए, जीरो लेके चल रहे एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है? जीरो। ये एक्स एज इट इज मैंने लिखा, देखो 1 का मल्टीप्लाई 1 में करा तो 1, माइनस 3 का मल्टीप्लाई 1 में करा तो 3, 1 जा 3, माइनस 3 आ गया। माइनस वाई एज इट इज लिखा, 1 का इंटू 3 में करा तो 3, 1 जा 3, माइनस लिखा है 9 का मल्टीप्लाई 1 में करा, 9, 1 जा 9, प्लस 1 एज इट इज। 3 का मल्टीप्लाई 3 में करा तो 3, 3 जा 9, माइनस 9 का इंटू 1 में करा तो 9, 1 जा 9 इक्वल्स टू जीरो। देखो ये एक्स एज इट इज, 3 में से 1 को माइनस करा 2, लेकिन साइन किसका आएगा? इस 3 का, 3 का ही का है माइनस का, तो 2 का ही का आएगा माइनस का। ये माइनस वाई एज इट इज, 9 में से 3 को माइनस करा 6, लेकिन 9 का ही का है माइनस का है, तो ये आ जाएगा माइनस 6। प्लस 1 एज इट इज, 9 - 9 कितना होता है? 0 इक्वल्स टू 0। 2 का मल्टीप्लाई x में करा -2x, माइनस माइनस प्लस 6y इक्वल्स टू 0। अब पर्टिकुलर आपको दिख रहा होगा कि ये इक्वेशन कैसे दिख रही है, सेम इवन नंबर की। तो कोई, या तो आप चाहो तो कोई नंबर कॉमन भी ले सकते हो, या आप किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड भी कर सकते हो। तो पूरी इक्वेशन को मैंने किससे डिवाइड कर दिया? 2 से। तो 2 से डिवाइड करा तो देखो 2, 1 जा 2, मतलब 1 टाइम्स आ गया -x, 2, 3 जा 6 प्लस 3y इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे x कैसा दिख रहा है? नेगेटिव। चाहे तो आपका ये आंसर है करेक्ट, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप चाहो तो माइनस कॉमन लेके राइट साइड आप भेज सकते हो। तो अगर मैंने यहाँ पे क्या करा, माइनस कॉमन ले लिया, तो ये x कैसा हो गया? पॉजिटिव हो गया। और ये जो प्लस का 3y था ये कैसा हो गया? नेगेटिव इक्वल्स टू 0। इट मीन्स हमारी इक्वेशन क्या हो गई, x - 3y इक्वल्स टू 0। और हमें क्या फाइंड करनी थी? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग, मतलब लाइन ज्वाइनिंग की एक इक्वेशन फाइंड करनी थी, और वो इक्वेशन क्या आ गई? x - 3y। इट मीन्स यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकलता है कि जो हमें फाइंड करना था इक्वेशन,
उसमें एरिया ऑफ ट्रेंगल क्यों लगाया, क्योंकि जो पॉइंट्स है ट्रेंगल बनी नहीं रहा है, लाइन ही बन रही है, तो एरिया ऑफ ट्रेंगल, ट्रेंगल ही नहीं बना तो एरिया नहीं निकलेगा, और एरिया ऑफ ट्रेंगल इसलिए हम क्या लेके चले, जीरो। वैल्यू पुट अप सॉल्व करने पे हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन आंसर।